बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव के दौरान हंगामा हुआ है। चुनाव चिन्ह बदलने पर यह हंगामा हुआ है। डेढ़ घंटे तक मतदान रोका गया, अधिकारियों पर साजिश का आरोप लगा है। तो मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता सत्या राजपूत ऑनलाइन जुड़ गए हैं। सत्या, क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? जी मुश्ता, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहाँ मतदाता को प्रत्याशी को पहले दूसरा चिन्ह आवंटित किया गया था, पहले उनको फावड़ा छाप दिया गया था, लेकिन जब आज मतदान के दौरान वो मतदान केंद्र पहुंचे तो उनको पता चला कि उनके चिन्ह बदल दिए गए हैं। अब उनको बाल्टी चिन्ह दे दिया गया। इसका जब तक पता चलता उनका 50 वोट लगभग पड़ चुका था, तो इस दौरान उन्हें विरोध किया तो पीठासीन अधिकारी ने निर्णय लेते हुए मतदान रोक दिया था। उसके बाद एक घंटे बाद तमाम बड़े अधिकारी, सेक्टर अधिकारी वहां पे पहुंचे। उसके बाद ये मामले को सुलझाने के बजाय जो प्रत्याशी है उनको दबाया गया, उनको कहा गया कि अगर आप इस मामले पे हंगामा करते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, और इस तरह फिर मतदान शुरू किया। उसके बाद अभी मतदान जारी है, और जो प्रत्याशी है वो अनुरोध कर रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय हो, नहीं तो ये चुनाव को रद्द किया जाए, दोबारा चुनाव किया जाए, क्योंकि वो 1.5-2 महीने से लगातार फावड़ा छाप के लिए वो प्रचार प्रसार किए हैं, लेकिन आज की स्थिति में उनको बाल्टी छाप लेना पड़ रहा है। तो इस तरह की गंभीर मामले सामने आए हैं और अधिकारी सुनने के लिए उनके तैयार नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सत्या। शाजापुर एबी रोड पर सन कोटा